देश में 1860 से लागू किए गए ब्रिटिश कानून के स्थान पर एक नया आधुनिक कानूनी ढांचा तैयार किया गया। अब पुलिस और न्यायपालिका भारतीय न्याय संहिता के तहत ही कार्रवाई करेंगे। देश में 1 जुलाई से लागू होने वाले आधुनिक और समावेशी कानून को लेकर आज रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए नियम के तहत अब पुलिस और न्यायपालिका भारतीय न्याय संहिता के तहत ही कार्रवाई करेगी, जिसके लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में पुलिस विभाग के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। कानूनी बदलाव में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब केवल 358 धारा ही लागू होगी। इस बदलाव में किस तरह से कानून व्यवस्था बनाई जाएगी और कैसे नियमों का पालन किया जाएगा, इसके लिए कार्यशाला में पुलिस को सभी नियमों के संबंध में जानकारी दी गई है। कानूनी नियम में आए परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसपी सहित जिले के समस्त थाना प्रभारी एवं संबंधित पुलिस कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। इसके कारण आया है डाउट। सर, ये फैक्ट की जांच की बात हो रही है, ना कि प्रकरण की जांच की बात हो रही है। जो फैक्ट है उसे वास्तव में अपराध बन जाए, इसकी जांच की इंक्वायरी करने की बात, कि फिर उसको आगे विवेचना में लिया जाएगा। मतलब वो जो कहानी आई है कि वास्तव में अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, संगीन मामला, उसकी जाँच करने की बात होगी पुलिस के द्वारा। नहीं, बताओ, ये जो नए कानून आए हैं तीनों, अभी जो संसद ने पारित किए हैं 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं, उनके संबंध में एक कार्यशाला यहाँ रखी गई थी। अभी तक सारे कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके साथ में अभी जो भी डाउट है पुलिस अधिकारियों को, उनके डाउट्स को, उनके जो कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए, फिर से एक बार रिव्यू करने के लिए यहाँ पर इंटरैक्टिव रखा गया था कि आप भी प्रश्न पूछें और जवाब दें, प्रश्न पूछें। तो कम से कम पुलिस अधिकारियों ने, न्यायिक अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने एडीजे साहब आए थे और सीजेएम साहब थे और हमारे पुलिस अधिकारी गण थे, तो उन सभी लोगों ने अपनी बातें जो है, जो भी इनको कंफ्यूजन था उसको दूर करने की कोशिश की है और इस प्रकार के सेमिनार भविष्य में भी जारी रहेंगे।